नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और गोल गोल गुल्ला। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। रैम्बो क्रेन में जा बैठा और उसे स्टार्ट किया। टांग दूंगा ससुरों को, क्रैंच, ओह ये क्या। और वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही हवा में लटक चुके थे। ओए नीचे उतारो हमें, वरना हवालात में सड़ा दूंगा मैं। बहुत चिल्ला रहे हो, झूला झुलाता हूं सालों को। उई आई, एक जोरदार झटका लगा तो खड़क सिंह कार से बहार निकल गया। उई, हवलदार बहादुर ने भी उसका अनुसरण किया। मैं भी आ गया हूं सर जी। यार्ड का चौकीदार एक तरफ पड़ी खाट पर लौटा हुआ था। खड़क सिंह ने उसी पर लैंड किया हुआ था। कौन है बे? तभी हवलदार बहादुर भी आ पहुंचे। धार, मैं भी आ गया। चौकीदार आपे से बाहर हो चुका था। कौन हो तुम? कच्चे उतार डालूंगा सालो। ओए तमीज से बात कर, हम पुलिस हैं। और मैं लोहा सिंह हूं। कच्चा पुलिस का बैंड बजा देता हूं। ठक उई, अंदर कर दूंगा मैं। दौड़ दो सर जी, ये बंदा हमें पहचान नहीं रिया है। कच्चे उतार देगा हमारे। खड़क सिंह की समझ में बात आ गई। फोर्स लेकर आऊंगा। उन्होंने कपड़े पहनने में समय नहीं नष्ट किया। उसी हालत में कमिश्नर के ऑफिस में जा पहुंचे। सर जी, हुजूर आए। ये क्या हरकत है, कपड़े क्यों नहीं पहनकर आए हो? सर जी, शुक्र कीजिए कि हम कच्चे पहनकर आए हैं, वरना। खड़क सिंह ने हवलदार को चुप रहने का संकेत किया। और मैं बताता हूं सर, हम सुपर कार के पीछे स्क्रैप यार्ड गए हुए थे, मगर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हालत देखकर मैं सब समझ गया हूं, समझ में आ गया है। तभी जेल का एक सिपाही आ पहुंचा था। उसने कमिश्नर को संदेश दिया। सर, पूछताछ के दौरान गोल गोल गुल्ला ने बताया है कि वो यहाँ नेशनल म्यूजियम में हनुमान जी का स्टेच्यू मूर्ति चोरी करने की नीयत से आया था। हवालात में सड़ा डालूंगा मैं सालों को अगर उसने बजरंग बली के स्टेच्यू को हाथ भी लगाया। सटअप, गोल गोल गुल्ला पहले ही जेल में बंद है और हम फिलहाल उसकी नहीं बल्कि सुपर कार की चिंता कर रहे हैं। तुम दोनों फोर्स लेकर जाओ और स्क्रैप यार्ड पर धावा बोलकर सुपर कार बरामद करो। ओके सर। पुलिस को यह पता नहीं था कि सुपर कार चुराने वाले रैम्बो और सैम्बो वास्तव में गोल गोल गुल्ला के ही साथी थे। मेरा विचार है कि अब हमें अपने बॉस गोल गोल गुल्ला को जेल में भिजवाने के निशान पर रवाना होना चाहिए। राइट। उधर जेल के गोल गोल गुल्ला पुलिस वालों को धमका रहा था। धनिया, दुनिया में कोई ऐसी जेल नहीं है जो हमको 24 घंटे से अधिक रोक सके। कोई बात नहीं बेटे गोल गोल, 24 घंटे गुजारना ही तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। ले चलो इसे बाहर। सिपाही उसे धकिया कर बाहर मैदान में ले आए। तुझे भी इन कैदियों की तरह काम करना होगा। ओ नो, अबे तुझे तो क्या, तेरे फरिश्ते को भी काम करना पड़ेगा। उई, हमारा बटक तोड़ दिया। फिर डंडे के जोर पर गोल गोल गुल्ला को घास खोदने के काम पर लगानवाना पड़ा। घास खोदने के काम पर लगाना पड़ा। ये क्या हो रहा है, इटली का शेर भारत में घास खोद रहा है। उधर रैम्बो और सैम्बो सुपर कार में जेल की दीवार के निकट पहुंच चुके थे। सैम्बो ने एक स्विच दबाया और कार के आगे एक शक्तिशाली ड्रिल निकल आया। घर्र, ड्रिल दीवार को गत्ते की तरह काटता चला गया। धार, ओह ये क्या। सभी सिपाही हदपद खड़े थे और सैम्बो मौके का फायदा उठाकर झूला तक आ पहुंचा था। कम ऑन बॉस, आ रहा हूं। गोल गोल गोला के कार में घुसते ही रैम्बो ने तुरंत एक स्विच दबाया। घर्र, पलक झपकते ही सुपर कार गोल गोल गुल्ला को लेकर उड़ गई थी। गोल गोल गुल्ला के फरार होने की खबर सुनकर कमिश्नर उछल पड़ा था। इसका अर्थ है कि सुपर कार चुराने वाला गोल गोल गुल्ला के आदमी हैं। यस सर। तो फिर भूत ही लटका कर यहां क्यों खड़े हो, जाकर उन्हें पकड़ो। जाता हूं जी। दम दबाकर भागा था खड़क सिंह।
ठीक उसी समय कमिश्नर ऑफ बॉम्बे पुलिस भीतर आ पहुंचा था। थर्ड, ओए उठिए सर, आपको चोट तो नहीं लगी? सटअप, तुम इस प्रकार दुम कटे बैल की तरह क्यों दौड़ रहे थे? खड़क सिंह ने समय नष्ट करना उचित नहीं समझा था। मैं गोल गोल गोला को पकड़ने जा रहा हूं सर जी। गोल गोल ये क्या होता है? वो कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचे। नहीं डियर कमिश्नर, ये क्या गोल गोल गोला क्या होता है ये क्या जाने। तभी पीछे से दरवाजा खुला था। धड़ गोल, सीधा कमिश्नर के टेबल पर लैंड किया था उसने। धड़ उफ। तभी हवलदार बहादुर ने भीतर आकर पूछा, मे आई कम इन सर? नहीं कभी नहीं, लेकिन सर मैं गोल गोल। शट अप एंड गेट लास्ट, तुमने मेहमान को पीछे से मारा है, मैं तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। ठीक है सर। हेडक्वार्टर से बाहर आते हुए हवलदार बहादुर सोच में डूबे हुए थे। मैं तो गोल गोल गोला को पकड़ने की योजना लेकर गया था, मगर कमिश्नर ने दौड़ा दिया। खैर, अब मैं अकेला ही अपनी योजना पर अमल कर सकूंगा। अब मैं अकेला ही अपने योजना पर अमल करूंगा। घर पहुंचकर हवलदार बहादुर सीधे स्टोर रूम में जा घुसे थे। वो कपड़े और मेकअप का सामान इसी थैले में है जिन्हें पहनकर मैंने नाटक में हनुमान जी का रोल किया था। उधर गोल गोल गोला जेल से निकलकर बहुत खुश था। रेमो एंड सैम्बो, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हम लोग तो आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं सर। हमको जान नहीं मांगता, हमें म्यूजियम में रखा हनुमान जी का स्टेचू मांगता। हम उसको यूरोप ले जाकर करोड़ों रुपए में बेचेगा। नो प्रॉब्लम बॉस, सुबह कार हमारे पास है, आज घात ही हम म्यूजियम की ईंट से ईंट बजा डालेंगे। आज रात ही हम म्यूजियम की ईंट से ईंट बजा डालेंगे। वे तीनों म्यूजियम में घुसने की योजना बनाने लगे, और मगर हवलदार बहादुर उनसे पहले ही कमिश्नर से छुपकर प्रवेश कर चुके थे। आज रात मैं यहीं रहूंगा, गोल गोल गोला हनुमान जी का स्टेचू चुराने अवश्य आएगा। म्यूजियम उस समय दर्शकों के लिए बंद किया जा चुका था। यही है हनुमान जी का स्टेचू। मेरी योजना सफल हो गई तो गोल गोल झूला आज लंबा हो जाएगा। स्टैचू के सामने खड़े होकर उन्होंने अपना झोला खोला। अब मैं हनुमान जी का रूप धारण करता हूँ। कुछ ही देर में वो तैयार हो गए। अब इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, बस गद्दा हाथ में लेनी होगी। स्टैचू को खींचकर उसने उन्हें कोने में लिटा दिया। फिर उसकी गद्दा लेकर स्टैचू के स्थान पर खड़े हो गए। वाह, बड़ा धासु आइडिया भिराया है मैंने। अब आशा है वे गोल गोल गुल्ला आएंगे। उधर रात होते ही गोल गोल गुल्ला और उसके साथी सुपर कार लेकर निकल पड़े थे। जब रात निकले एक एस गश्त पर निकले एक ASI ने सुपर कार को देखा। वो कार के पीछे लग गया, साथ ही हेडक्वार्टर को संदेश भी प्रसारित कर रहा था, मैं सुपर कार का पीछा कर रहा हूँ, वो बंडर रोड की ओर जा रहे हैं। सुपर कार का पेट्रोल रैम्बो के हाथ में था। बॉस, एक पुलिसिया हमारा पीछा कर रहा है। एक मामले पुलिसिया क्या चीज है, आज पूरी फौज भी बोल गोल गोल गुल्ला को नहीं रोक सकेगी। बैंड बजा दो इडियट का। यस बॉस, रेम्बो ने एक स्विच दबाया। कार के पीछे लगे एक पाइप से तेल की धार निकलकर सड़क पर गिरी थी। बाइक उस तेल पर पहुंचते ही फिसल गई। पुई अंदर रोड पर भी उनके स्वागत के लिए पुलिस पहुंच चुकी थी। क्लॉक द रोड, सुपर कार वहां पहुंची। ओह, पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। डोंट वरी, इन्हें तो अब पानी भी नहीं दूंगा। पुलिस पार्टी भी तैयार थी। होशियार, रोड ब्लॉक देखकर वे उड़ने का प्रयास करेंगे। सभी लोग उस पर लगे पंखों पर फायर करें, लेकिन रैम्बो के कार को उड़ाने के बजाय पानी फेंकने वाला स्विच दबाया। उई, पानी
पानी का प्रेशर बहुत अधिक था। ओए बचाओ, आए ये तो सर सर भी उड़ने लगे। पानी की धारे सभी पुलिस वालों को उड़ाकर दूर फेंक रही थी, वे फायर करना भूल चुके थे। फिर पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारकर रास्ते से हटा दिया था सुपर कार ने। धाड़, खड़क सिंह एंड पार्टी पैदल ही दौड़ पड़ी थी। ओए रोको, पीछा करो, जाने ना पाए। वॉकी टॉकी पर कमिश्नर से बात कर रहा था खड़क सिंह। सर, मुझे लगता है कि वे म्यूजियम की ओर जा रहे हैं, हम पैदल दौड़कर उनका पीछा नहीं कर पा रहे हैं। गधे के सिंह हो तुम, पैदल उन्हें कैसे पकड़ सकते हो? मैं आ रहा हूं वहां। उधर सुपर कार हवा से बातें करती हुई म्यूजियम जा पहुंची और इमारत के फाटक को उखाड़ फेंका। म्यूजियम के सुरक्षा कर्मी उस तूफानी कार को देखकर दुबक लिए। ये लो कुछ, ये तो कुचल डालेगी। मुख्य इमारत की एक दीवार को कार ने तोड़ डाला। भड़ाम, तीनों बदमाश बाहर निकले। कमान, जल्दी करो। जल्दी स्टैचू वाले कमरे में पहुंचे। आ गया गोल गोल, हम तुम्हारे गॉड को नहीं पहचानता। तुम जल्दी ढूंढो किधर है हनुमान जी का स्टैचू। बॉस, वो देखने में तो हनुमान जी जैसा है, मगर उनकी मूछें इतनी लंबी नहीं थी। मर गए, मैं अपनी मूछों को साफ करना भूल ही गया। मगर गोल गोल गुल्ला को उनकी मूछों की परवाह नहीं थी। ओए, मूछ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जगाओ इसे। तुरंत ही उन्होंने स्टैचू को जगा लिया। उफ, अब क्या करूं बॉस, ये स्टैचू कुछ अजीब सा है, जैसे जैसे मांस को अब बना हो। अजीब है, तभी तो हम इसको चुराने का काम आया है। लो चलो। और फिर उधर देखकर हवलदार बहादुर चौंके। अगर इन्होंने मुझे कार में डाल दिया तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। और हवलदार बहादुर बोल पड़े, बेटा गोल गोल, अब तेरे लंबा होने का समय आ गया है। आए, कौन बोला था? हम बोला बे, इधर तो देख, रेम्बो सेम्बो की हवा संट हो गई, भगवान जी बोल रहे हैं। धार, हवलदार बहादुर तुरंत ही उठ खड़े हुए। हनुमान जी नहीं बे, माई नेम इज हवलदार बहादुर। भूत, तशरीफ शेख दूं का बेटे। ओए ओए, ये स्टेचू नहीं है, भागो। जाने ना दूंगा गोल गोल, हवलदार ने अरंगी लगाई। ओ क्यों बेटा गोल गोल, मुझे इटली लेकर जाएगा? नहीं। तभी रैम्बो ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरे बॉस को छोड़ दे, वरना। ओए गोल गोल, उसे रोक ले, वरना गद्दा मार कर तुझे चपटा कर दूंगा। फेंक दे रिवॉल्वर, यू इडियट। रैम्बो को रिवॉल्वर फेंकना पड़ा था। उधर कमिश्नर रास्ते में खड़क सिंह को साथ लेकर म्यूजियम पहुंचा। घेर लो म्यूजियम को, वे अभी अंदर ही हैं। लेकिन अब जब उन्होंने भीतर प्रवेश किया, आए एक ही हो रहा है। वो कमाल कैसे हो गया, इन्हें किसने मुर्गा बना डाला? आपके सेवक ने बनाया है हुजूर। पुलिस दल भी एक बार उछल पड़ा। कौन है? आपका हवलदार बहादुर है सर जी, कहकर अदाब अर्ज करता हूं। हवलदार, यस सर। गोल गोल गुल्ला को पकड़ने के लिए मैं पहले ही यहाँ आकर स्टेचू बन गया था। मुझे विश्वास था कि ये स्टेचू चुराने जरूर आएगा और मैं इसे लंबा कर दूंगा। देखिए, कर दिया ना इसे लंबा। शाबाश, आज फिर तुमने रूपनगर पुलिस का नाम रोशन कर दिया है। अब मैं क्या कहूँ सर जी। फिर बाजी मार गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।